सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे प्रभु। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अटूट बंधन अगर कोई होता है तो वो होता है माता पिता और बच्चों के बीच में। माता पिता अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, बच्चे भी अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पर कभी कभार होता क्या है कि ना माँ बाप बच्चों को समझ पाते हैं और ना बच्चे माँ बाप को, विचारों में मतभेद होने लगता है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज का हमारा ये कार्यक्रम आप ही के लिए है। लेकिन शो की शुरुआत करूँ उससे पहले आप सभी को याद दिला दूँ कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए, वहाँ आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं। या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और अगर हमारे कार्यक्रम गुरु मंत्र से आप जुड़ना चाहते हैं, लाइव कॉलर बनना चाहते हैं हमारे शो में, तो इसका जिक्र आप मेल करते समय कर दें, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप गुरुदेव के संस्थान जाकर निशुल्क यानी बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे गुरुदेव। जैसे मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि अटूट बंधन होता है माता पिता और बच्चों के बीच, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। बिल्कुल। पर क्यों ऐसा हो जाता है कि कभी कभार माँ बाप अपने बच्चों के दिल की बात को समझ ही नहीं पाते? इसका हमारी कुंडली से क्या संबंध है? इसका बेटा संबंध ये है कि जब भी किसी भी प्रकार का क्रूर ग्रह किसे बोलते हैं, एक तो जनरल ज्योतिष के अंदर गर्म ग्रह होते हैं सूर्य और मंगल, ठीक है, और दूसरा एक और हिस्सा होता है कि जब भी कोई ग्रह बहुत ही खराब हो जाए और वो पांचवें स्थान के ऊपर आकर के बैठ जाए और लेकिन वो सौम्य भी हो, ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर माँ बाप अपनी चलाते हैं, बच्चों के मन के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं वो समझते। जन्म कुंडली का पांचवा घर ये संतान से संबंधित है, ठीक है, और यहाँ पर बैठे हुए इस तरह के ग्रह बेटा ये इंसान को यानी कि जो बाप होगा उसकी प्रवृत्ति उसकी छवि ही ऐसा बनाएगा कि उसको अपनी ही तान के ऊपर चलने की आदत होती है और जिसके अंदर वो सिर्फ ऑर्डर देता है और वो चाहता है कि बस ये पूरा हो जाए। ऐसे बहुत सारे घरों के अंदर ये हालात उत्पन्न होते हैं कि बाप पूछता ही नहीं बच्चों को कि तुम्हें चाहिए क्या, वो खुद ही डिसाइड करता है कि बच्चों को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बस उसके बाद वो कुछ नहीं पूछता, समझे। ऐसे घरों के अंदर खास तौर पे जो माँ है या तो माँ का हाल बड़ा खराब होता है या माँ ऐसी होती है तो बाप का बड़ा हाल खराब होता है और यानी कि बच्चे भी इसके अंदर पीछे रहते हैं। यह चीज किसी किसी बच्चे की कुंडली के अंदर ही ये योग ऐसा बैठ जाता है कि तीसरे घर का चंद्रमा भी इस तरह का होता है, थोड़ा सा अगर ये खराब हो जाए तो कहते माँ पूरे परिवार को डोमिनेट करेगी। वहां पर भी यही हालात है कि बच्चे से पूछा ही नहीं जाता कि बेटा तू करेगा क्या, तेरे को चाहिए क्या, वहां एक ऑर्डर होता है कि तुझे ये करना ही पड़ेगा और तुझे यही करना है। तो ये जो योग है बेटा सही मायने के अंदर पांचवें घर के सूर्य को ही खराब कर रहा होता है और इसको यहां अगर ठीक करके चलना है तो उसके लिए सबसे उत्तम वही कि तांबे के लोटे के अंदर चावल भर के लाल चंदन का लेप लगा करके 43 हफ्ते लगातार यानी कि 43 मंगलवार इसको मंदिर के अंदर देना। और दूसरा जो पिता है अगर वो डोमिनेटिंग है तो उनके सराहने, या माँ है तो उनके सारे खुले बर्तन में पानी उनके सराहने रख करके सोना और सुबह उठ करके जाकर के उसे कीड़े किसी भी पेड़ के ऊपर डाल देना, यह दूसरा। और समय समय के ऊपर दूध में हलवा बना करके वो बेटा बांटते रहना, स्वयं भी खाओ लोगों को भी बांटो, इससे पांचवा घर काफी अच्छे हालात पे आ जाएगा और घर के अंदर सुख शांति और सौहार्द का वातावरण बनेगा और माता या पिता ये अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे। तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ मोनिका जुड़ गई हैं अम्बाला से। मोनिका जी, गुरुदेव से आप जो कुछ भी सवाल पूछना चाहती हैं उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि समय स्थान बता दीजिए।
प्रणाम गुरु जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 2001, 8:48 सुबह के, और जन्म स्थान है अम्बाला। ये बेटा है कि बेटी है? बेटा बेटी है। ठीक है, क्या जानना चाहते बेटा? गुरु जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में ये जानना है। वो IIT के लिए प्रिपेयर कर रही है और उसका 11 जनवरी को एग्जाम है। सर, मैं चाहती हूँ कि उसका IIT में सिलेक्शन हो जाए। बेटा, तेरे बच्चे की कुंडली तो बहुत अच्छी है और ये काफी अच्छा फल देने के लिए बैठी हुई है, इसमें कोई दोराय नहीं। लेकिन अगर इस बच्चे को नमकीन चटपटा ज्यादा खाने की आदत पड़ गई तो इसका गुस्सा भी बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य भी खराब होगा, आंखें भी खराब हो जाएंगी, पेट निकल आएगा। ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले इसका ज्यादा नमकीन चटपटा अगर ये खाती है तो वो स्ट्रिक्टली बंद करवा दे, और एक उसे कह दे कि अगर जिंदगी में तूने वाकई में कामयाब होना है और जो तू चाहती है वहां तक अगर तूने पहुंचना है तो तेरे को आज से किसी भी प्रकार का ये पैकेट वाला नमकीन खोल के तो खाना ही नहीं, ये उसकी आदत डाल दे। नॉर्मल दाल सब्जी में जो नमकीन होता है वो तो चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसकी कुंडली के अंदर है चंद्र ग्रहण चौथे घर का। ये मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करता है। डेडिकेशन चाहे जितनी मर्जी दे वो बात ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट होते हैं वो पूरे एक्सपेक्टेड आने में वो भी प्रॉब्लम देता है, और समय समय के ऊपर टेंशनों के योग खड़े होते हैं, इसका इलाज करना है। तीसरा बेटा, इसकी कुंडली के अंदर राहु देव बैठे हुए हैं कर्म स्थान के ऊपर, और ये जो राहु देव है ये पिता के कामकाज के लिए भी और अपने लिए भी समय समय पर मुसीबत डालते हैं बेटा, ठीक है, और खराब करते हैं, और नहीं तो स्वभाव ही बिगाड़ देते। तो इसका उपाय है 43 दिन लगातार मिट्टी के लोटे में जौ और सरसों भर के ढक्कन को सीमेंट से बंद करके पहले जल प्रवाह कर दे, एक तो ये। और दूसरा उपाय ये लगातार करने वाला उपाय है बेटा, और वो क्या है, हर मंगलवार को 400 ग्राम काले तिल सफेद तिल, यानी कि 200 ग्राम वो 200 ग्राम ये लेकर के दान करने, बंद ही नहीं करने जब तक कि बच्चा पूरी तरह से कामयाब ना हो जाए और जब तक इसका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। और हर सोमवार को दूध और चावल ये लेकर के मंदिर के अंदर देते हैं। मात्र इतने से उपाय कर, परमात्मा की दया से तेरा बच्चा जरूर कामयाब होगा और स्वास्थ्य भी बहुत उत्तम रहेगा। खुश रहो। गुरुदेव, शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि माँ बाप जितना प्यार अपने बच्चे से करते हैं शायद ही कोई किसी से कर सकता। बिल्कुल, वो एक रोटी खुद कम खा लेंगे पर अपने बच्चे को कभी खाली पेट नहीं सोने देंगे। पर उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे क्यों होते हैं जो बस अपनी मनमानी करते हैं, माँ बाप की सुनना ही नहीं चाहते, कुछ अच्छा उनके कान में वो पड़ता ही नहीं है। तो ऐसा क्या योग होते हैं जो उनको ऐसा रेबल बना देते हैं एकदम? बेटा, ये कसूर माँ बाप की जन्म कुंडली का ही होता है, किसी और का नहीं होता। जब भी बिगड़ा हुआ हाथी पांचवें स्थान पर बैठा हुआ हो, यानी कि राहु, इसका तो काम ही यही है बेटा। इसके लिए पहले शब्द कहे जाते हैं कि बच्चे खाने वाला सांप। चलो ठीक है, बच्चे होने का योग है और कोई और दूसरे योग के कारण प्रबल है, तो फिर इसका दूसरा काम है कि बच्चों को ये सेटल नहीं होने देगा, ठीक है। और अगर कहीं चलो बच्चों की सेटलमेंट का ग्रह भी अगर कहीं अच्छा बैठा हुआ है तो ये बचपन के अंदर उनको बिगाड़ता जरूर है और पहले 21 साल की उम्र तक इसके हालात खराब करता है। और जो ग्रह की राशि पांचवें घर के अंदर बैठी है और वहां राहु बैठा हो, उस राशि की जितनी उम्र है, जैसे कि चंद्रमा की 24 साल है, शुक्र की 25 साल है, ठीक है, और ये बृहस्पति की 16 साल है, ठीक है, इसी तरह से सूर्य की 22 साल है, मंगल की 28 साल है, बुध की 34 साल है, तो ये वहां तक बच्चे की आदतों को बिगाड़ के रखता है। तो यहां पर हम सबसे पहले राहु का इलाज करेंगे और उसके लिए सबसे उत्तम इलाज 101 नारियल पूजा वाले लेकर के उनके ऊपर सरसों का तेल का तिलक और काले तिल लगा करके बिड़ाई ने जल प्रवाह करना, समझे। और ये जहां जल प्रवाह करना है, नॉर्मल पानी बहता हुआ ना हो, बहुत तेज बहता हुआ पानी हो, वहां पर जाकर के करें, ये पहला उपाय। दूसरा उपाय है कि हर हफ्ते, हफ्ते में भले एक दिन चुन लो, कोई भी दिन चुन लो, उस दिन खूब सारी मूलियां, गाजर या शलगम या पत्तों सहित बेटा अपने सोने वाले कमरे में रखो और सुबह उठ करके इसे मंदिर पहुंचा दिया करो, गुरुद्वारे पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पर पहुंचाते हैं क्योंकि इनमें कोई खराबी नहीं आती बेटा। ये एक तरह का दान है, जो दान
हर दुनिया करती है और तरह तरह की चीजों का करती है, इसीलिए इसके ऊपर कोई शक शुबा करने की जरूरत नहीं है। तो ये दान मंदिर या गुरुद्वारे वहां पहुंचाते रहो, तो ये दूसरा उपाय होगा। और तीसरा, यहां पर बच्चों की बुद्धि को दुरुस्त करने के लिए आपको करना क्या है, मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भरकर बेटा इसको आप हर बुधवार को मंदिर में देना शुरू करो, और ये कम से कम 43 हफ्ते को देखिए इसके बाद बच्चे कैसे बिल्कुल सही और सटीक रास्ते पे चलेंगे, माँ बाप का कहना मानेंगे, मन मर्जी को त्यागेंगे और संस्कारों में वापस आना शुरू करेंगे। गुरुदेव, बहुत सी बार ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चों को तो प्यार करते ही हैं, लेकिन बच्चे ऐसे हो जाते हैं नालायक, शायद शब्द इस्तेमाल करना ठीक होगा, गलत संगति में पड़ना, बिल्कुल सुनना नहीं, रात भर बाहर घूमना, ना पढ़ाई करना, ना काम में मन लगना, और ये कई लोगों की मैंने परेशानी देखी, उनकी आप मदद कर दीजिए कि वो क्या कर सकते हैं और ये होता क्यों है, वो भी जानना चाहेंगे। बेटा ये योग क्या होते हैं, सारी कुंडली के लिए माँ बाप ही जिम्मेवार नहीं होते, कुछ एक योग बच्चों की कुंडली में भी होते हैं। अब वो कैसे होते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो जन्म कुंडली के 9वें स्थान के ऊपर बुध बैठा हुआ हो, 11वां घर खाली हो और 8वें घर के साथ राशि का संबंध हो और ये लड़की की कुंडली के अंदर हो, तो बेटा लड़की की कुंडली के अंदर उसकी 16-17 साल की उम्र से ही एक बुरापन शुरू होता है कि जिसके अंदर वो अपनी पूरी तरह से मनमर्जी पे चलती है, पढ़ाई लिखाई से विमुख हो जाती है, माँ बाप रोक रोक के थक जाते हैं लेकिन बच्चे के पास से बार बार गलतियां होती हैं, ये योग बड़ा खराब होता है। और जब उसे रोकते हैं तो उसका जो व्यवहार होता है वो ऐसा हो जाता है कि जैसे वो बहुत डिप्रेशन में चले गए, इस तरह के हालात। और लेकिन जैसे उसे खोलते हैं कि नहीं बच्चे के साथ इतनी सख्ती करनी अच्छी नहीं, बेटा वैसे ही वो मनमर्जी की तरफ फिर भागती, ये प्रॉब्लम है। एक तो इस योग का मैं इलाज बताना बहुत जरूरी समझता हूँ, कारण ये कि बहुत सारे माँ बाप इससे त्रस्त हैं। दूसरा एक और योग होता है, जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और बुध का मेल हो और वो शनि के घरों के साथ संबंध कर जाए या शनि के साथ संबंध कर जाए, तो इसके अंदर बच्चा चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो बहुत ही जल्दी बुरी सोसाइटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और दिल से उसके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनको माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार संस्कार सब पराए लगते हैं, बस वही सारे अपने होते हैं। और जिसके चलते हुए ऐसे हालात तक भी उत्पन्न हो जाते हैं कि वो बच्चे कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन ये नहीं छोड़ सकते, और ये बहुत ही दुख भरा सीन होता है बेटा कि माँ बाप और भाई बहन अपनी आंखों के सामने उसे एक तरह का कुएं में गिरता हुआ देख रहे होते हैं और उसे समझ नहीं आता। ये बहुत ही खराब योग है ये दोनों है। इसका इलाज क्या है, इसका इलाज दोनों ही सिचुएशनों में इसका इलाज है, सबसे पहले इस बच्चे का अगर हो सके तो नाक छेदन करवा दो ये बीच में से, और जो कि 96 दिन रहना चाहिए। अगर ये हुआ तो बहुत ही अच्छा, इसके बाद में आपकी मेहनत बहुत कम होगी, लेकिन अगर ये नहीं भी हुआ तब भी आपको दूसरा उपाय जल्दी स्टार्ट करना है, और वो क्या है, तांबे के लोटे के अंदर मशरूम भरकर उसे मंदिर में देना शुरू करो। जनरली मैं मिट्टी के लोटे में बोलता हूं लेकिन तांबे के लोटे के अंदर मशरूम भरकर के 43 दिन लगातार मंदिर पे दो। और दूसरा, 43 दिन लगातार थोड़े से चावल 400 ग्राम ले लो, उसको हल्दी से पीले करके उनको जल प्रवाह कर दो और ऐसे बच्चे के कमरे के अंदर पीला रंग ज्यादा रखो, इवन उसके बिस्तर पर भी पीला रंग रखो, ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। और बहाने से समय समय के ऊपर इसको चने की दाल का हलवा देना और केसर वाला दूध पिलाना, इसके मौके ढूंढ ढूंढ के बेटा ऐसे बच्चे को पिलाओ, देखो बहुत जल्दी आपका ये बिगड़ा हुआ बच्चा बहुत अच्छी अकल और संस्कारों के साथ वापसी पकड़ेगा और आपको खुशहाली मिलेगी। गुरुदेव, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की बीमारी के वजह से बड़े परेशान रहते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बीमार हो जाते हैं, जब बड़े होते हैं उनके एग्जाम्स होते हैं तो बीमार हो जाते हैं, मतलब कुछ भी अच्छा होने लगता होते हैं तो बीमार हो जाते हैं, मतलब कुछ भी अच्छा होने लगता है उससे पहले वो बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल, वो किसकी कुंडली में दोष होता है, बच्चों की या माँ बाप की? बेटा इसके अंदर एक कहावत वो याद आती है कि माँ पर धी बाप पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये योग माँ बाप की कुंडली में भी हो सकता है और बच्चे की अपनी कुंडली में भी योग हो सकता है, लेकिन हो कुछ भी
इसके अंदर कुदरती वाह की ये कि बृहस्पति खराब हो रहा है, हमें ये समझ आता है जी। और मंगल एक तरह का दुश्मन बन के बैठा हुआ जो बार बार स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है, समझे। तो इसके अंदर बहुत सारी दुनिया ऐसी आती है जो कहती है कि खास तौर पे जब एग्जाम आने लगते हैं हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, ठीक है। जब भी ये कोई कंपटीशन के लिए जाना होता है उससे पहले कोई ना कोई इसको प्रॉब्लम हो जाती है। और कई माँ बाप तो ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी गई, वो वहां जाके एग्जाम भी करके आया, लेकिन आके पता चला कि जितना करके आया वो गलत करके आया। इस तरह के यानी कि बच्चों के स्थान के ऊपर बैठा हुआ या पढ़ाई लिखाई और रिजल्ट के स्थान के ऊपर बैठा हुआ ये खराब योग इस तरह के हालात पैदा करता है। और इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहले जो खुश करना होता है बेटा वो दरवेश को खुश करना होता है। और दरवेश कौन है? कुत्ता, ठीक है। अगर ऐसा इंसान जिसके साथ में भी ये प्रॉब्लम, उसके बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है या बच्चा स्वयं, ठीक है, उसको चाहिए कि कुत्तों को हर रोज कुछ ना कुछ खाने को जरूर दे। अगर घर पे एक रंग का कुत्ता पाल ले तो सबसे उत्तम, ठीक है। ऐसे बच्चे के गले के अंदर पीला धागा या सोने की चेन पहनानी बहुत जरूरी होगी। ऐसे बच्चे के लिए हर रोज केसर का तिलक उसकी नाभि जुबान माथे पर लगाना बेइंतहा जरूरी होगा, तभी ये बृहस्पति के देव कोई रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। और मिठाई, ये मीठा अगर पतीसे के रूप में हो, क्योंकि पतीसा ये बृहस्पति और मंगल दोनों के गुण लेकर के बैठा हुआ है और पतीसा बनता ही बेसन से है, ठीक है। तो पतीसा अगर हर मंगलवार को बांटे या एग्जाम के दिनों में रोज परमात्मा को भोग लगा के बांटे, और इसके बीच में अगर कहीं बेटा नए ब्याह जो जोड़े होते हैं औरत या आदमी, उनको कहीं ये पतीसा भी प्रसाद के रूप में बांट दिया जाए, देखिए इसका रिजल्ट कितनी जल्दी निकलता है और उसके बाद में ये खराबी के हालात टोटली खत्म कर देता। गुरुदेव, फेसबुक पर चंद्रशेखर जी अपने बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। वो जन्म तिथि स्थान बताया है उन्होंने, समय भी बताया, 21 दिसंबर 1987, ठीक है। समय है 8:43 शाम के और जगह है दिल्ली। पूछ रहे हैं बेटे की शादी कब होगी और उसका करियर कैसा रहेगा, होटल मैनेजमेंट की है। भाई कुंडली तो बहुत अच्छी है ये, जो कि कामकाज के लिहाज से और शादी के बाद बढ़ने के लिहाज से बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम में दो हो गई। एक है ससुराल का कारक राहु, जो बैठा ही ऐसे घर के अंदर है जो चाहता ही नहीं है कि ससुराल के सुख ढंग से मिले, और दूसरा शुक्र स्वयं छठे घर के अंदर चले गए, जो पहले शादीशुदा जिंदगी के लिए भी और बाद में नर औलाद की पैदाइश के लिए भी खराब योग बना रहे, ठीक है ये। और तीसरा ये बच्चे का मांगलिक होना, ठीक है, और ये बच्चे का मांगलिक होना मंगल चौथे घर का, लेकिन ये मंगल ठीक ठाक है, बहुत खराब मंगल नहीं है, जिसकी वजह से अब ये बच्चा होटल मैनेजमेंट और होटल के इसी तरह के कामों के अंदर ये जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। आगे जाकर के बेटा अच्छी रुपया पैसा जमीन प्रॉपर्टी सब कुछ बनाएगा और अपने दिमाग से नई नई क्रिएटिविटी दिखा करके जिंदगी के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी पाएगा, लेकिन भाग्य यही लिखा है कि शादी के बाद बढ़ेगा। तो पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, और वो क्या करना है, सबसे पहले 8 दिन लगातार 8-8 कोटे सिक्के जल प्रवाह कर दो। तुम्हारा घर साउथ फेसिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर साउथ फेसिंग घर में रहे तो जिंदगी के अंदर इसको प्रॉब्लम में बार बार और बहुत ज्यादा वाली आएगी, ठीक है। दूसरा इसको कह रहे हैं कि 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के ये मंदिर में दे दे। जैसे ही ये 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल पूर्ण होगी बेटा इसका रिश्ता हो जाएगा और उसके बाद शादी के योग बनेंगे। लेकिन अब मंगल शादी से पहले पहले ही इसको 3 धातु का छल्ला सोना तांबा चांदी ये मिलाकर के पहनाना पड़ेगा और 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करनी है और 7 मंगलवार थोड़े से चावल दूध के साथ धोके वो जल प्रवाह करना। अगर ये उपाय कर लिए तो फिर जो शादी के बाद वैसे इसके सारे अच्छे हालात हैं, लेकिन खाम खाई का जो छोटा छोटा टकराव लिखा हुआ है और जो बार बार इस लड़के को जो धोखा देंगे इसके कुलीग ही, समझे, जो बार में इसकी कामयाबी से चिढ़ के इसको धोखा देंगे, ये सारा योग खत्म हो जाएगा और इसके बाद इसको जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, खुश रहेगा। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होते हैं।
बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। गुरुदेव, अब बात उन माँ बाप और बच्चों की कर लेते हैं जो दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे बड़े समर्पित होते हैं माँ बाप के लिए और माँ बाप भी बड़ा प्यार करते हैं अपने बच्चों के, पर एक तरीके से परिणाम उनको अपनी मेहनत का नहीं मिल पाता बच्चों को। जैसे एक कॉलर भी थी, उन्होंने कहा था IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर निकल पाएंगे या नहीं, बहुत सी बार ऐसा प्रिपेयर करते, ये क्यों होता है बेटा? इसे बोलते हैं बुद्ध की खराबी। बहुत सारे बच्चों को आप ऐसों को भी जानते होंगे कि जिन्होंने CA के लिए कितनी कितनी बार अटेम्प्ट किया, कितनी कितनी बार ये कोशिश करी, लेकिन वो CA नहीं बन पाते। हर बार किसी न किसी एक चीज में रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग फील्ड है, हम तो जानते भी नहीं कितनी तरह की फील्ड है, लेकिन जो भी कोई आता है वो बुद्ध की मार से ही मरा हुआ होता है। और बच्चे के ज्ञान में कोई कमी नहीं, माँ बाप की तरफ से सपोर्ट में, पैसे में कोई कमी नहीं, हालात में कोई कमी नहीं। बच्चा खुद स्वयं दिन से लेकर रात तक मेहनत करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बेटा ये बिन पैदे का लोटा आखिरी मोमेंट पे सब खराब कर देता है। समझे? तो इसके लिए भी उपाय बेटा दो है। एक तो अपना झंडा बुलंद करने के लिए, पॉजिटिव सोच रखने के लिए, हर मंगलवार को लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला ये लेकर के डंडा लगा के बेटा मंदिर की छत पे लगाना शुरू करो। इससे मंगल और केतु, इसका 12वें स्थान का बृहस्पति के साथ मिश्रित योग जो कि सक्सेस दिलाता ही दिलाता है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर बुध को दुरुस्त करने के लिए हर बुधवार को किन्नरों को बेटा हरे कपड़े थोड़े से दे करके, या मूंग साबुत देना चाहो तो वो भी दे करके एक तरह का आशीर्वाद लेना अपनी कामयाबी का, ये बेहद जरूरी होगा। और साथ ही इसके जो पक्षी हैं, समझिए, उनको मक्का तो सारे डालते हैं बेटा, लेकिन जाके बाजरा डालो, क्योंकि सूर्य और बुध का मेल कभी नुकसान नहीं होने देता, उल्टा शाम के वक्त में जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको बहुत ही अच्छा फल देता है पक्षियों को बाजरा डालना। तो ये करके देखो, कामयाबी बहुत जल्दी मिलने वाली। गुरुदेव, कई दर्शक हैं जो गुरु मंत्र रोज देखते हैं, एक भी एपिसोड मिस नहीं करते हैं। उन्हीं में से एक शीना अरोड़ा है जो अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती है, और मैं आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम और लोकेशन बता देती हूँ। 24 अप्रैल 1996 का जन्म है उनकी बहन का, ठीक है, और 6:39 AM अलीगढ़ UP। उसकी पढ़ाई और करियर के बारे में जानना चाहती हैं शीना। बेटा सबसे बड़ी बात इस कुंडली के अंदर ये है कि चंद्र और बृहस्पति का मेल ऐसा बैठा है कि अगर ये बच्चा बच्चों की लिखाई पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरह का टॉप एडवाइजर या ट्रेनर बने, और सबसे बड़ी बात कि अगर बच्चों की लिखाई पढ़ाई कोर्स वगैरह सजेस्ट करना और बाद में उनको दूर दराज जो कॉलेजेस हैं या विदेशों के अंदर जो कॉलेज है उनके बारे में उनको सलाह दे करके उनके लिए वो काम करना, इस बच्चे के लिए सबसे उत्तम काम है। और उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले इसको अगर हो सके तो हर रोज थोड़े से पानी के अंदर थोड़ी सी शक्कर डाल के, गुड़ डाल के बेटा सूर्य को जलते हैं, और गुड़ का हलवा बना करके समझे उसको मंदिर चढ़ा करके हर मंगलवार को वो बांटे, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा, हर रोज मीठे दूध के अंदर अंगूठा डाल के इसको चूसना दिन में 2-3 बार, इसको पैसे, काम, ज्ञान, इन सब के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी देगा। और फिर इसके बाद में हर रोज केसर का तिलक नाभि सुबह माथे पे लगाना इसको बहुत फायदा देगा। लेकिन एक बात बड़ी खास है इस कुंडली में, ये बच्चा जिस तरह का मैंने काम कहा है अगर उस तरह के ये काम में चला गया, ये पैसा बहुत कमाएगी मेन कहा, लेकिन इसके खर्चे नहीं रुकेंगे और उतावलेपन के अंदर, जोश के अंदर किए हुए खर्चे ही इसको खराब कर जाएंगे आगे, जो कि कर्जा चढ़ा जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुमने अपना जोश को होश में रखा तो तुम जिंदगी में बेहद कामयाब, और गलत व्यसनों की तरफ नहीं जाना, सिर्फ इन दो चीजों से अगर तुम बच के रहती हो तो जिंदगी बहुत शानदार रहेगी। और मैरिड लाइफ के मैंने तुम्हें उपाय दे दिए, ये करो और दाता बहुत सुखी रखेगा, खुश रहेगा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ चंडीगढ़ से सुखवीर जी जुड़ गए हैं। सुखवीर जी, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, और फिर जो कुछ कठिनाई है, सवाल है आपका पूछ सकते हैं। 17 अगस्त 1970। समय और स्थान भी बता दीजिए। हमें है बाद दोपहर 2:57 यानी कि 2:57।
जी। स्थान है पालम, स्थान है पालमपुर, ये हिमाचल प्रदेश में है, जिला कांगड़ा में। खुरे जी, एक तो मेरी पीठ में बहुत दर्द रहता है, मैं ना कई बार हफ्ता हफ्ता के लिए बेड रिडन हो जाता हूँ। दूसरी बात ये कि मेरे माइंड में बड़ी टेंशन रहती है, मेरा मकान बनेगा या नहीं बनेगा। और मेरा ऑफिस ऐसा है कि मेरे ऑफिस में मुझको छोड़कर हर आदमी को कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम है, पर मैं ऐसा आदमी हूँ कि फाइनेंशियली मुझे कभी कोई ऐसा चांस नहीं मिला। बेटा गड़बड़ी बहुत बड़ी गड़बड़ी है, और उस गड़बड़ी का नाम है शनि पांचवे घर का, बुध केतु भाग्य स्थान के। जब भाग्य स्थान ही बाधित हो जाए और हर वक्त टेंशन देने लेने वाले हालात खड़े रखने की इसने कसम ही खा रखी हो, तो बेटा तेरा अच्छा हिस्सा ही कौन सा रहेगा। और भाग्य स्थान के अंदर केतु इतना खराबी के ऊपर बैठा हुआ हो और कमर पांव या पेशाब वाली जगह बेकार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वहां पर यह प्रॉब्लम देगा ही देगा। ये तो शुक्र कर तेरी कुंडली के अंदर सूर्य मंगल का मेल जो डेडिकेशन देता है और तू उसकी वजह से काम पे लगा हुआ, और समृद्धि के योग यानी कि धन भाव में बैठा हुआ चंद्रमा तेरे को कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है जिसकी वजह से सब चली जा रहा है। अगर ये दोनों योग ना होते तो फिर तेरी कुंडली बेटा बेहद बेकार पे भी होती, और इस तरह की कुंडली हमारे पास बहुत आती भी है। इसीलिए बेटा आज जो तेरे को उपाय बताने जा रहा हूं, अगर तूने वो कर दिए तो मतलब ही नहीं जिंदगी के अंदर किसी भी एंड पे तेरे को कोई दिक्कत बच जाए। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले तूने जो बेटा उपाय करना है कि 9 शनिवार तवा चिमटा या अंगीठी इनमें से एक चीज दान दे दे, पहले तो ये कर। और हर रोज बड़ के पेड़ पे दूध पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, ये दूसरे। तीसरा, अपना कान छेदन करवा के इसमें सोना पहन ले बेटा, और हर बुधवार को थोड़े से लाल कपड़े यानी कि जो चुनिया होती हैं जो कन्याओं के सर पे रखे आशीर्वाद दिया जाता बेटा, लाल कपड़े और मिठाई ये कन्याओं को देना बिल्कुल शुरू कर, और कोई भी बुधवार चूकने मत दियो, कोशिश यही करना। और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर, मात्र इतने से उपाय करके देख, कमर दर्द वो भी ठीक होगा, ये जो तुम कह रहे हो कि कमाई की अपॉर्चुनिटी तुम्हारे कलीग्स को मिल जाती तुम्हें नहीं मिलती बेटा, वो भी ठीक हो जाएगा। और आगे पुत्र के सुख, और उसके आगे जो तेरे पिता के घर के अंदर खामखाई की वो जो समझदारी वाले गुण है और जिसकी वजह से खामखाई के पंगे पड़े रहते वो भी प्रॉब्लम में खत्म हो जाएगी। करके देख, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ कल्पना जुड़ गई है चंडीगढ़ से। कल्पना, इससे पहले आप अपना सवाल पूछे गुरुदेव से, आप हमें अपने जन्म की तिथि समय स्थान बता दीजिए, अपने सवाल पूछ लीजिए आप। मेरा नाम कल्पना कुमारी है, जन्म तिथि 12 नवंबर 1973। ठीक है। और जन्म अपने 5:55 शाम। ठीक है। और जन्म स्थान देवलाली महाराष्ट्र। कौन सी जगह बेटा? देवलाली महाराष्ट्र। गुरु जी, एक तो मकान कब तक बनेगा और सेहत के बारे में पूछना था आपसे। बेटा शनि की महादशा चल रही है, और ये तो योग ही ऐसा चल रहा है इस वक्त का, जो खर्चे बढ़ाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मकान हो प्रॉपर्टी हो जरूरी काम हो सबकी सिचुएशन क्रिटिकल सी बना के रखता है, समझ गए ना। और ऐसे में मकानों के सुख के लिए योग अच्छा बैठा है, लेकिन अच्छा फल दे नहीं रहा ये योग इसका। जब तक बेटा है ये चंद्र और शनि का उपाय तुम नहीं कर देते तब तक मकान बनने के योग कमजोर है, और अभी ये योग नहीं है। लेकिन दो हजार 16 के बाद से लगातार मकान के लिए अच्छा सोच रहे हो, लेकिन नवंबर 2019 के बाद मकान का योग पूरी तरह से अच्छा बनता है। लेकिन एक खास बात कि बेटा अगर घर में कुत्ता होगा तो बहुत शानदार मकान भी रहेगा और जिंदगी में ऊंचाई भी बहुत अच्छी रहेगी, पर अगर कहीं कोई ऐसी जमीन ले ली तुमने कि जो किसी की हो ना या किसी बेऔलाद की यानी कि जिसके कोई बच्चा नहीं हुआ उसकी जमीन को अगर कोई खरीद लिया तो बेटा ये दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए, तो इसलिए इस हिस्से से थोड़ा सा बचा के। और दूसरा ये चंद्र शनि का उपाय, और वो क्या है? बड़ा मामूली उपाय बेटा, 43 दिन लगातार समझे भैरव मंदिर के थोड़ी सी शराब चढ़ाता, बस
इतना सा काम कर दो, मकानों के सुख, रुपए पैसे के सुख, घर में नई चीजें आने के सुख सब जाग जाएंगे। लेकिन अगर स्वभाव में खराबी हो, अगर काम में बार बार तकलीफें आती हों, जो कि योग है ये वाकई भी ऐसा कर सकता है, तो फिर 27 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय जमीन के अंदर दबा, तब जाकर के ये अच्छा होगा। तो इन उपायों को कर लो, दाता जरूर सुख देगा। गुरुदेव, शो तो खत्म होने वाला है, पर आज बात रिश्तों की हो रही है, माता पिता और बच्चों की हो रही है, तो उससे जुड़ा हुआ खास गुरु मंत्र आप हमारे दर्शकों को दे दीजिए। अगर बच्चों की और माता पिता की ही बात हो रही है तो आज गुरु मंत्र उसी चीज से रिलेटेड होगा जो इस रिश्ते को हमेशा अच्छा रखे और एक दूसरे के साथ वार व्यवहार और हर चीज के सुख को अच्छा रखे। ये है बेटा, हम बात कर रहे हैं माँ बाप के लिए बच्चा होता है केतु, और अगर लड़की है तो केतु का मिशन तो जरूर है लेकिन साथ में बुध भी है, ये ठीक वैसे ही हो जाता है वैसे छठा घर के अंदर बेटा बुध मालिक है और केतु कारक है, ठीक है, तो हमें इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर बृहस्पति और केतु को अगर अच्छा रख लिया जाए तो सब कुछ अच्छा अपने आप होता चला जाता है। तो इसको अच्छा रखने के लिए करना क्या है कि आपको अपने बच्चों का सुख अच्छा रहे, कभी कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए कि जब भी सर्दियां आए आपने कंबल जरूर किसी ना किसी गरीब को दान देने या गर्म कपड़े जो ऊनी है वो बेटा दान देना कभी मत भूलना, चाहे एक दो दे दो अपनी समर्थता के अनुसार, अगर आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो ज्यादा दो, समझे, लेकिन ये दान जरूर दो। और जब ये दान दो उस वक्त आपके बच्चे आपके साथ होने बेहद जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी बेटा, एक बात ये। दूसरी बात आपके घर के दरवाजे पे आया हुआ भिखारी कभी खाली ना जाए, समझे, अगर आप ये समझते हो कि पैसा देने से वो बिगड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहे कच्चा आटा, कोई अनाज या कुछ भी, कुछ मीठा दे दो, कोई रोटी दे दो, जो आपके घर पे रखा है बेटा वो दो जरूर, समझे, इसलिए भिखारी को खाली मत जाने दो। तीसरा जो सबसे अहम चीज है यहां पर, परमात्मा को मीठा तो हर कोई अनपढ़ करता है बेटा, ये बात सत्य है, परमात्मा को जो भी तिलचौल है वो तो देते ही देते हैं, वस्त्र भी देते हैं, चंदन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, ठीक है आप वो भी दो, लेकिन कभी कभार जो फ्रूट है, फ्रूट वहां पर परमात्मा के वहां ले जाकर के चढ़ाना बेहद जरूरी होगा। फ्रूट बेटा उसके अंदर कई तरह का मिक्सचर होता है, उसमें बुध भी होता है, उसमें मंगल भी होता है, उसमें केतु भी होता है, और खट्टा मीठा जो फ्रूट होता है उसके अंदर तो खास तौर पे केतु होता है, लेकिन फ्रूट कोई भी ले लो उसके अंदर बृहस्पति का गुण तो जरूर होता है, केतु का गुण जरूर होता है, इसलिए मंदिरों के अंदर जितने फ्रूट जाएंगे इसलिए ही बृहस्पति और केतु दोनों ही अच्छे फल कारक बनते चले जाएंगे। तो इसलिए ये उपाय करो ताकि आपके बच्चे सदा ही सुख में रहे और कामयाब रहे और आपको वो सुख देने के काबिल बन सके। क्वेश्चन, गुरुदेव हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश रहे। तो चलिए इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।